रिया करने वाली हूँ ऑन टेकिंग डिलीवरी ऑफ माय बीस्ट सरप्राइज रिवील बाय एल्विस यादव ब्लॉग्स। हाँ, एक के बाद एक गाड़ी गाड़ी पे गाड़ी, खतरनाक चल रहे हो। सरप्राइज स्टार्ट। हेलो, आई एम रेडी नाइट, वेलकम टू माय चैनल लिखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। यो करो 3 2 1 पे 3 2। हेलो जी, वेलकम बैक। मेरे को लगा टीचर की कहानी आने का नूर कैसे धूप पड़ रही है। ये यार एक्चुअली है ना भाई, चमक तो गया चेहरा इधर आगे ना, साला सब नजर लगा रहे हैं साड़े आके आ जाए। कौन दीशु कह रहा मुझे, कह रहा भाई तुम कौन सी क्रीम व्रीम लगा रहे हो, कौन से पिलू, कह रहा कौन से ट्रीटमेंट करवा रहे हो, पॉलिशिंग पॉलिशिंग। मैंने की कुछ नहीं, कह रहा हूँ एक भाई तो कह रहा था तुम चेहरे पे पॉलिश लगवाते हो। कौन सा कोटिंग? टेफ्लॉन कोटिंग, ये तो साला इंग्लिश का शब्द है। मैं कह रहा हूँ हमारी करा दो टेफ्लॉन कोटिंग। भाई दिशु भाई फिर वॉचिंग दिस, देखो अपना ना ऐसा ही है यार, अपना नू ही है, धूप धाप में खड़े होकर कराओ, जैसे धूप है इधर देखो तब मेरे चेहरे पे ऐसा लग रहा है। अब जो धूप हटाऊं अभी मेरा चेहरा दिखा, मेरा ग्लो ज्यादा मारेगा। तेरा चेहरा आजा, इसका चेहरा ग्लो दिखाता हूँ। मैं चला धूप में, चलना आजा भाई धूप में, बताना किसका चेहरा ज्यादा ग्लो मार रहा है। ठीक है, मैं भी धूप आ रही जाना। अरे यार बेवकूफ जीत गया है भाई, अपना नहीं है यार, चमकते चमकते रहा, सच्ची में मैं अच्छा लग रहा हूँ। अरे शीशे का अगर चल रहा है हमारे यहाँ, तो व्यू पता किस चीज का है, नहीं दिखाएंगे। अरे सॉन्ग, ये बिल्डिंग है इधर सामने, वाह। तुम्हें आज शाम को बताओ हमने क्या करना, डिलीवरी ऑफ आवर पोस्ट फाइनली, इसके बच्चे की डिलीवरी लेने जाने का, इसके बच्चे की जिसके पेट में। मेरे पेट में तो डिलीवरी अभी नहीं होगी उसकी, अभी टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ भाई आज हम जा रहे हैं अपनी पोर्श की डिलीवरी। मैंने अभी तक अपनी फॉर्च्यूनर नहीं देखी, पोर्श भी नहीं देखी, गाड़ी देख ही नहीं पाया ना, मैं अपनी कमर का इलाज करवा पाया। और डॉक्टर भाई डॉक्टर में भाई कभी आकर मैं कर कदा होगा, कदा होगा फिर बता। अभी तो नहीं ब्रो, अभी थोड़ा इसी में चलते रहने देंगे, थोड़ा काम धंधा ज्यादा पड़ गया हमारे सिर पे, और भी कहीं सॉरी कहीं बंद रहना पड़ रहा। अपने जूते थे सॉरी मांग रहा हूँ, ऐसा बिग बॉस में देख क्या सीख क्या है सॉरी मांगना। तो आज भाई जाएंगे पोर्श की डिलीवरी लेंगे, उसका रैप चेंज हो गया, इनने मुझे बताया नहीं कौन से कलर का रैप है। बेटा सरप्राइज हमने प्लान कर रखा, चीता ही कहते चीता कदे अलग ना हो सके। ये एक नया दिन एक नई गाड़ी गाइस, एक नई गाड़ी। कौन सी गाड़ी है गाइस ये बताओ, गैस करो इस वाली गाड़ी को देख के, नाम नहीं बताऊंगा, पर आज मैं दूसरी गाड़ी में घूम रहा हूँ। मेरी गाड़ी की शक्ल दिखा दो, मेरी डिलीवरी पोर्स की दिखा दो। है भाई सरप्राइज है, बहुत कड़ा आपके लिए भी हमारे लिए भी, कलर चेंज हो गया पीछे से, पीछे से सब चेंज करा दिया साढ़े। तुमने आधी गाड़ी आधी रंगवा दी क्या? अरे ना ना, अलग धूप में अलग। तुमने तो चित कवरी गाड़ी तो नहीं करवा दी? नहीं नहीं, आंटी से अप्रूवल ले लिया था हमने पहले ही। मेरी मम्मी को तो चित कवरे बहुत पसंद है। चित कवरी गाड़ी करवा दी गाइस, पोर्श का रंग हम बदल चुके हैं। मैंने तो फॉर्च्यूनर भी नहीं देखी, फॉर्च्यूनर खड़ी कहाँ है, कहीं भी खड़ी हो पर फॉर्च्यूनर भी, फॉर्च्यूनर के दौरे ना गया मैं, ना मैंने अपनी चलाई ना ये मुझे कोई गाड़ी चलाने दे। और ऑडी भी तो चलाई थी मैंने, प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल, बार बार प्रोटोकॉल का डंका पीछे दे दिया मेरे अनु का, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल, मैं किस बात का प्रोटोकॉल साले। अभी हम जा रहे भाई एक बार ऑफिस, ऑफिस पे मैं नहाऊंगा दूंगा क्योंकि सुबह तो नहाया नहीं मैं, ऐसे कपड़े पहन के मैंने कुछ चीजें शूट करनी थी तो करी। अब मैं कहाँ निकल लिया, ऑफिस, ऑफिस के बाद फिर जाएंगे हम कस्टम गराज पर गाड़ी की डिलीवरी लेने, और फिर उस गाड़ी को हम खड़ी करेंगे, पोर्श को कहीं छुपा कर रख देंगे भाई, फिर उसको हम कहीं गराज वराज में बंद करके रख देंगे। अरे हमको दे देना, हम चला लेंगे भाई थोड़ी देर। हाँ मतलब गराज में रख बंद कर देंगे। अरे भाई दे देना, घुमा लेंगे थोड़ी, दिखे तो पब्लिक का अपेयरेंस। गराज में बंद कर देंगे गाड़ी, घुमाएंगे अपनी, इसने घुमा आई समझ में, और साढ़े हम ना घुमा रहे तुम घुमाओगे तो आपकी तो मजबूरी है। कोई मजबूरी ना भाई, क्या मजबूरी है मतलब। तो वाओ नाइस नाइस गाड़ियां भाई रोड पे, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है इस टाइम तो, मैं बहुत कम निकला। सही सही। अरे अभी एक दो हफ्ते में हो जाएगा अभी एक बार नहा धोकर चलेंगे ना कस्टम गैराज पे। हम भाई कस्टम गैराज पता क्यों जाया करते हैं, और अभी भी क्यों जा रहे हैं, और अभी भी इसलिए पोर्श लेने थोड़ी जा रहा हूँ, बर्गर खुआ कर रहे हैं मुझे, कोक पिलाए कर रहे हैं, कोक तो कम पीऊं मैं। आजकल नई चीज आ गई कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी पीने जा रहा हूँ गाइस आजकल का, पहले से मुझे भी कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है। जस्ट किडिंग, अपनी गाड़ी मुझे ठीक करवा लेना भाई, अर्थ अगर कुछ भी काम हो ना कस्टम गैराज अपना जिंदाबाद। ठीक है ले चल भाई पोर्श पे, और इतनी से भी कमी निकल गई ना वैसे, ऑल दो रहती नहीं बट इवन भाई, फिर मैं दोबारा वहीं छोड़ करनी पड़ेगी भाई, एक नंबर भाई, एक नंबर भाई, तुम देख का चुके ना तभी तो कह रहा हूँ अलग अलग साला। चलो अच्छी, तीस रूम से निकला है जाना ही, मैं भी शूट करने दे।
मैं कह रहा हूं बिग बॉस के विनर तो तुम रील शूट कराओगे ऑब्वियसली भाई, तुम हमारे लिए तो वही हो भाई। देख तू यहां तो निकल आएगा, इनका मैं चलो धक्का दे दूंगा। हां यार इनके लिए तो वही हूं मैं, ठीक है ना। लक्ष्य वहां पा होगा भाई, ये वाली टी-शर्ट तो देख लो एक बार मेरी। यो भाई यहां गिफ्ट करिए किसी ने रिश्ते भाई, मैं बता रहा हूं मैं महंगी टी-शर्ट, जितने भी महंगे कपड़े ना इस भाई पे सारे गिफ्टेड है सर। एक भी लेवन आया इतना निकम्मा हो गया, एक भी खुद नहीं खरीदा है कल का। देखो यार शर्ट मेरी बिग बॉस में उधारी मांग गया था वापस सोच ली मैंने, पहले भी साड़ा नु कह रहा रील बना रहा कुछ कितने दे दे। अरे अच्छा अच्छा चलो मैं थोड़ी शर्म करा करो। मेरे दोस्तों ने दिया भाई, ये जो बॉम्बे साइड के और दिल्ली साइड के कूल ग्रुप है ना, उन्होंने दिया मुझे। और वो दिल्ली में रहते, बॉम्बे साइड के कूल ग्रुप बॉम्बे भी रहते, उसमें 5 गर्ल्स भी है। फर्क तो आया मेरे अंदर बिग बॉस जीतने के बाद, गाड़ी चलाने भाई अपना नुहे बंद करिए, अपना नुहे भाई बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते रहे। चैन चुन क्यों कर पैर ली? अरे यार वो फुकरा वाली चेन उसने दी थी वो मेरे घर पे छूट गई, तो यहाँ पे वो मेरे बैग में पड़ी है। तू घर तक लाया? थैंक्स यार, मैंने इवेंट में भी तो पीछे से कटारे भाई लेके आ गए भाई, ऑडी बहुत बहुत मुबारक है भाई। सिस्टम है अपने नीचे दर रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तू तो खुद मेरे नीचे दर रहा है अपने पीछे बंदे रख रखे हैं ऐसे ऐसे करने वाले। मैं क्या कह रहा हूँ अभी हम जा रहे हैं इस कस्टम गैराज, वहाँ से उठाएंगे फॉर्च्यूनर, नहीं वो क्या है वो पोर्श। अरे सना मारी है, अरे भूल गया सब कुछ भाई, हमने जो सरप्राइज रेडी करवाया ना तुम्हारे लिए, तू पागल हो जाओगे देख के, फर्राटा आ जाओगा। पागल तो तू है और मेरे बेटे, बोला भाई ठीक है तो सीधा मिलते हैं गाइस कस्टम गैराज। बाय। ओके मेरे बच्चे, ओके गाइस मीट। इतना प्यार इन लोगों का। पर ये तो गरम कैसे है? बताना सिस्टम आपके लिए चल रहा था ना अभी। चल रहा है और क्या, मैं कह रहा हूं कुपा जी आपने मिस नहीं करा अपना उक्का पार्टनर? बिल्कुल मिस किया है कुपा जी, तो कमजोर हो गए मेरे गम में सही में, कमजोर लग रहे हो। मैं कह रहा हूं क्या सही में यार चढ़ रहा है आपके? ना ना बिल्कुल फिट है मैं, और कमजोर होगा आपके गम में ये मोटा हुआ है ये तो खुश होगा ये तो देख रहे हो डबल हो गया ऐसा ही। हां यहां से ऊपर से ज्यादा मोटा होगा तुम क्या गाड़ी दिखा दो जल्दी, एक लाइव हो जाए, एक लाइव अभी सुनेंगे विपराग जी से। बहुत बढ़िया, ये सही में चल रहा है क्या? हां हां मार दे आज रेडी है, मारो गुड मारो गुड मार रखी पी लिया आपने तो मार रखी का मैं बच गया। लो जी कटारे आप 6 बजे आ रहे हो? 6:30 बजे आ रहा हूं। इतना बड़ा मशीन की बात करिए, हम होटल से थोड़ा लेट निकला, एक मीटिंग थी हमारी होटल से थोड़ा। इसके नीचे बहुत कैटा सरप्राइज है गाइस, मस्त मजा आ जाएगा, मजा थोड़ा सा देख लूं क्या? अरे वैसे भी ये कम हो गया, थोड़ा सा देख लूं थोड़ा सा। वाओ प्लीज दिखानेगे ना भाई, ऑनेस्ट रिएक्शन लेंगे आपका, ऑनेस्ट रिएक्शन। ओके ऑनेस्ट रिएक्शन लोगे मेरा? हां भाई इसके नीचे अपनी पोर्स खड़ी है, यहां अपना केक का वेट कर रहे हैं ना, तो खोलना ना तेरे, मुझे अगर केक के बारे में कपड़ा तो धुआ लेते, अबे हम लोग भी इतने ग्रेट का रील बना लेते, चल आ जा और टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं। देख सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि अर्चित अपने नाखून साफ कर और नाखून कटवा, क्योंकि मैंने अभी भी देखा तेरे नाखून में बड़ा मैल है, काट दो ना भाई ऐसे नाखून कर। अरे काट दो ना फिर क्या करूं, दे मेरे मुंह में दे दे मैं काट दूंगा। गाइस वी आर ऑल सेट, वगैरह मुंह में तो छोड़ देता है। अरे यार केक का केक, शर्म नहीं है? कौन कौन बंदे हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे, शर्म नहीं तुझे? मैं करूँ नाखून काट लियो, मैं करूँ। गाइस फाइनली गाड़ी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, कस्टम गैराज मेरे भाई भाई कहाँ गए, जैन कहाँ गया? आओ जी, वायर ने बहुत मेहनत करी और रंग बदल दिया इसका, वैसे मैंने देख के चौंक चुका मैं, वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, पर मैं दोबारा चौंकने की एक्टिंग करूँगा तो समझ लेना कि मैं चौंका हूँ। नहीं रिकॉर्ड है हमारे पास, रिकॉर्ड है चौंकने का। हाँ सारी चीज़ बहुत पहले ने वीडियो कॉल पर दिखाई, रिकॉर्ड है नहीं वीडियो में नहीं आई, कॉल पर ऐसे करा था मैंने।
एक कलर आया था वीडियो कॉल पे तो नाड़ो इसमें नाड़ो कितने कलर है भाई? भाई अप्रोक्सीमेट 16 कलर है और मैजिकल कैंडी ग्रे कलर है। गाड़ी अपने जैसे कर दी गाड़ी अपने मैजिकल कैंडी ग्रे। भाई अलग कलर आया मार्केट में, तो इसकी अभी डिलीवरी लेंगे। और फ्रूट वाला लिया। अरे यार ये क्या कर दिया तुमने यार भाई, ये तो पुराना कलर है। अपीली भाई केक का टाइम है। उठाओ उठाओ मेहनत करो। केक बटर करें। ओ भाई बिल्कुल पार्टी बड़े थी। सारे आ जाओ, जिन भाइयों ने काम करा आ जाओ, आ जाओ केक खा लो, आ जाओ। पूरा स्टाफ आ जाओ भाई यार, स्टाफ बढ़ गया पीछे। सारे भाइयों ने बड़ी मेहनत करी है भाई, गाड़ी बनी है भाई, सिस्टम है भाई। चलो जी केक काटने के सारे भाई आ जाओ मेरा मुंह मत कर दियो, काफी गिली गिला हो गया गाइस। सिस्टम भाई खराब हो गया, फुल जोर लगा ना बोल भाई। इस तक है अपनी दाढ़ी साफ कर लेगा पहले। दाढ़ी साफ कैसे मेरे से एक महीने बाद आप लोगों को ड्रैगन फ्रूट मिले करेंगे या भाई? भाई नहीं खिलाएंगे ड्रैगन। क्यों क्या खिला रहा है भाई? गंदी बीज है, बीज ही खिलाऊंगा मैं। बालक के कह रहे हैं अर्चित भी बीज है। डिलीवरी का टाइम होगा भाई, मुहूर्त निकलेगा डिलीवरी का। आ जाओ चलो, मुहूर्त पार हो चुका है। थंबनेल का रिएक्शन दे दो, एक थंबनेल निकालना। ये क्या कर दिया पहले इसको बोलो कि नाक साफ करे अपने अर्चित। नाक ठीक है कर दो। आ जाओ, किसको नाक साफ करना है, किसको दाढ़ी साफ करना है, किसको नाक साफ करना है। भाई एक बार पूरी गाड़ी का भाई वो बता दो के करा है। भाई चिंटू बताओ भाई इसमें क्या करा होगा। ले भाई डिटेल रिव्यू दो भाई। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, ये है अपने अलग अलग शेड में, ये देखो। और ये सारा हम चढ़वाएंगे, नून आएंगे, कुछ भी ऐसा न्यू करवा रहे हैं। ये देखो भाई सिस्टम देखो, तो अलग अलग जगह से अलग अलग भाई बताओ क्या 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 करवाया सब। रैप हुई है, डुअल टोन में कलर में गई है, ब्लैक के साथ जो और भी सारे ब्लैक की है, कितना नया है सब। और पूरी गाड़ी रैप मैं दिखाता हूँ भाई। ये है ना, जाने जाने दो। अरे तो तू कर दे, कस्टमर आज के बाद होगी। बाइक की गाड़ी है, आगे बात। एक चीज देखी आपने, ग्रैंड विटारा पे से सब कुछ हट गया, कस्टम गैराज भी हट गया, और तभी ग्रैंड आइटम नहीं मिल रही। फॉर्च्यूनर थार पे से आज तक कुछ नहीं हटा है, नहीं हटा है ना भाई। मैं कह रहा हूँ इसमें अंदर से करा है कुछ हमने, अंदर से पूरी गाड़ी क्लीन की। वाओ ये तो सब भाई, अभी अंदर से मैं नहीं दिखा सकता, वो थोड़े सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है, उसके बाद दिखाएंगे। अंदर से कोई देख लेगा तो कॉपी कर ले कोई। भाई अपने डोर हैंडल्स ब्लैक, ओके, एक अपने शीशे ब्लैक, ओके, और अपने कैरेक्टर ब्लैक, और पहिया तो थाई पहले ब्लैक, और इसके रिम्स रेड। नंबर प्लेट हटी, नंबर प्लेट हमने हटवा दी सरकार से कह के। और क्या करा हमने, और हमने गाड़ी की सफाइयां करवाई हैं, और बस यार, और सफाई भी कराई अंदर से भी और पीछे। चलो गुड बाय बाय। इंजन ऑयल ना इस कस्टम करा, वो इंजन ऑयल अगर पीपीएफ वीपीएफ चाहिए होगा। ना 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 इंजन ऑयल चेंज नहीं हुआ, इंजन ऑयल ही बदला इसका। पीपीएफ वीपीएफ करवानी हो तो गाइस आ जाओ यहां पे, ठीक है फिर। भाई बाय बाय। भाई ने जो जो करवाना हो ना गाड़ी में जो जो करवाना हो ना अपने करवा लेना, कस्टम गैराज वाले भाइयों से करवा लेना, कस्टम गैराज वाले भाइयों से करवा लेना भाई। यार से ना भाई क्या क्या सिस्टम कर दोगे, तुमने कुछ नया ऐड करा है भाई? सारी एसेसरी स्टार्ट कर दिया
एड ऑन आपने देखा हो स्टार्टिंग का काउंटर बन गया, सारा एसेसरी स्टार्ट कर दिए और हाइड्रो डिपिंग इन हाउस कर दिया हमने स्टार्ट। गॉड मोड़ा पैसा जो अभी कटारे भाई वाली थार में डी कट हैंडल वगैरह सारी चीज करके देंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। सर मैं कह रहा हूं अगर मेरे तरफ से जो लोग आते हैं उनको डिस्काउंट भाई चाले में नाम से ही डिस्काउंट है, गूगल मैप्स पर डालो कस्टमर आप इन भाई के पास पहुंच जाएंगे। मानेसर में मानेसर गुड़गांव द कस्टमर मानेसर गुड़गांव। ओके गाइस चलो जी से स्टार्ट। भाई तुम्हारी तो वॉल बड़ी कैडी है यार। रोलेक्स क्या हो डेढ़ रोलेक्स पैर के बैठे आजकल घड़ियों का शौक चल रहा है ना इसलिए पता था। मैं कह रहा हूँ कोई डेढ़ करोड़ की घड़ी लगवा दे यार तब बात बने यार। गाड़ी मत अरे गाड़ी क्या कह रहे हो अरे इसमें तेरा कस्टम गैराज जाएगा तभी तो कह रहा हूँ कोई आप बोल रहे हो की गाड़ी लगाओ कुछ ना जाएगा भाई बहुत बड़े लग रहा है यार ये तो सही पोस्टर थे कस्टम गैराज से चपके गए थे ऐसी जो सारी गाड़ियों पे जो पीछे बोर्ड पर एलविशा था भाई बहुत मजेदार ये वो वाला है ना जो अंदर से दिखता है बाहर हां अंदर से वन साइड विजन नाइस भाई यार के सपोर्ट पुलिस वाले रोक लेता आपके गांव के पास यू गाइस इसको उतार वरना केस 10,000 रुपए का फाइन लगा देंगे। फिर उन्होंने बोला ये आपके गांव का लड़का गया हुआ है गाना चल ठीक है जब जीत गया तब उतार दियो। अच्छे बंदे मिल गए जीत गए तो भी उतारा भाई हमने हर जगह लगा हुआ है हर जगह सबने लगा रखा है किसी ने भी नहीं उतारा। अरे वाह यार कब तक वोट करवाओगे मुझे तक चुनाव में खड़ा हो एक नंबर आड़ू हां भाई कैसी लग रही है एक नंबर एक नंबर। सुन अब तू चला तो सकता नहीं तो मेरी वो ले ले एस्कॉर्ट के लिए सफारी मेरे को दे दे दे। ओ भाई भैया एक ही बात है भाई आपकी है यार ऊपर नमस्ते आ जाओ तुमको सेम बात नहीं कहते आप तुम्हारी है यार वो वाली कुछ कह रहे व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग ये पूछोगे नहीं नहीं मतलब बिग बॉस सुनो इसको किसने बिठा दिया यहां पे एक मिनट कुछ सीरियस बात चलने वाली है भाई मैं कहता वो बिग बॉस का इधर ये ड्राइवर रख रखा है क्या कर रहा है ड्राइवर ये सो मैं इसका पीएसओ चलो चलो फ्रिज में से पल्पी भी चोर लाया बंद कर लो सी जगह हमारे अंदर आ जाए उड़ के लेफ्ट से क्योंकि राइट से तो उबड़ खाबड़ है सारा। बैक टू पोर्स शैलेश भाई कैसा लग रहा है इतना टाइम बाद इसको चला के यार मुझे बहुत अनरियल लग रहा है यार एक की कौन सी गाड़ी है भाई बड़ी मिस करी मैंने अपनी यार ये छोटी सी मेरी प्यारी स्पोर्ट्स कार है वैसे तो और इतनी दमदार है ना अब जो ऐसे भाई ये जो ये है ना इसकी ये स्पीड ये मैंने मिस करी बहुत ज्यादा आज छुई है मैंने अपनी पहली गाड़ी फॉर्चूनर तो अभी तक नहीं छुई भाई देखी नहीं फॉर्चूनर मैंने सेफ है वो टेंशन सेफ तो होगी यार तुम लोग हो अभी जा रहे हैं भाई ऑफिस पे तो भाई आ रहे हैं अपनी मीटिंग करने भाई बाहर से आ रखे हैं सारे भाई पीछे पीछे भी ना भाई और पोपी भाई भी आ रहे हैं सारे भाई बैठ के अभी थोड़ी देर चिल करेंगे एक मीटिंग करेंगे सॉरी दो बिजनेस मीटिंग्स करेंगे और बहुत तगड़ा लग रहा है यार। भाई मेरे छोटा सा क्वेश्चन है उस टाइम जब बेबी का जी ये पूछ रही थी कितना इंटरव्यू ले रहा हूं मैं अरे वो वैसे बताओ ना वो कह रहे थे ना मेरे को वो नीची गाड़ी की आदत नहीं है आपके मेरे को तो बड़ी बड़ी गाड़ी की आदत है इसकी जी वैगन फॉर्चूनर तो आपके दिमाग में चल क्या रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था यार बहुत अच्छी आदत है यार इसकी ना यार हम तो गरीब आदमी भाई साहब हम इन चीजों से बहुत दूर हैं देखो गाड़ी भी कौन सी चला रहे हैं हम तो अजीब अजीब सी घोड़ा छपरा जिस पे इस पर घोड़ा छपरा बताओ साढ़े घोड़े घोड़े सवारी कर रहे हैं साढ़े गाड़ी भी ना हम पे कोई ना जी अब आगे अपने ऑफिस कलर बदल चुका है इस कलर में गाड़ी चला रहे हैं तो शायद कम लोगों को पता है ना मतलब पता ही नहीं लोगों को कि ये वाली गाड़ी किसकी है क्योंकि अपनी तो पीली थी अब चेंज हो गई तो जब भी मैं कभी दिखूं ना इस गाड़ी में तो प्लीज मुझे चलाने देना यार एंजॉय करने देना प्लीज गाइस मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे लगा कर रोकना मत मुझे एंजॉय करने देना सही बात देखो मत मेरा थोपड़ा लाइक कमेंट शेयर सब ओह माय गॉड मैं बोली ना बस इतना अमीर होना है कि मतलब ये गाड़ी तो मैंने अभी अपनी वाली हाथ ही नहीं लगाई वो वैसी ही पड़ी हुई है वो वाली मैंने देखी नहीं जब से मैं आई है ये वाली तुम लोगों ने कस्टमाइज की है क्या अच्छा मुझे देखा नहीं मैंने देख लूंगा तो बस इतना अमीर होना है कि भाई साहब अपनी गाड़ी किसी को सौंपते टाइम पे नहीं अपने को डर लगता है कि ये ठीक से चलाएगा भी या नहीं इसका खर्चा अगर कुछ हो गया तो मैं उठा पाऊंगी या नहीं या जो कुछ भी है मेरे फोर व्हीलर का मुझे टेंशन होता है बहुत ज्यादा तो फिर ऐसा टेंशन से जीने से अच्छा ऐसा था कि ले लो भाई मैं उठा लूंगा खर्चा बाकी का बट बहुत अच्छा कस्टमाइज किया है नो डाउट एंड मैंने देखा है लाइक आईफोन में ना नॉर्मली लोगों के चेहरे चमकते ना ऐसे धूप में बहुत अच्छा लगता है। मेरा प्रॉब्लम क्या मेरी आंखें ऐसी हो जाती जब मैं व्लॉग बनाऊंगी ना धूप में वगैरह मेरे को आंखें ऐसे ऐसी हो जाती है इसलिए मैं नॉर्मली धूप से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के ही व्लॉग बनाती हूँ जब देखो तो इनके चेहरे चमकते ऑलमोस्ट सबके चेहरे आईफोन में धूप में अब जब आप
रिकॉर्ड करोगे ना तो खतरनाक तरीके से चमकते हैं। बाय द वे दोस्त बड़े अच्छे मिले यार, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ ऐसी दोस्ती हो, नहीं तो जलन वलन और ये सारी चीजों में ही आधी दोस्ती खत्म हो जाती, मन मुटाव एंड बाकी सारी चीजें मन में रख के एक दूसरे को हेट करने में इसी में चली जाती। ऐसी दोस्ती मेरे को बहुत अच्छी लगती, बहुत प्यारी सी। एंड वो भी जो लोगों ने पीछे बैनर टाइप, बैनर नहीं बोलते उसको, जो गाड़ी पे ही था वोट फॉर एलविश यादव, मतलब लोगों ने जी जान लगा दी यार वोटिंग और सारी चीजों में, मतलब खतरनाक तरीके से। अभी मेन वाले बिग बॉस में भी अगर वो होते तो मजा आता, बट वो मेन वाले बिग बॉस में, टेलीविजन वाले बिग बॉस में वो नहीं आने वाले है, ये उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि इस साल तो नहीं, अगले साल देख सकते हैं। लेट्स सी। तो ये मेरा रिएक्शन, आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो, कमेंट करो गाइज, भर भर के प्यार दो, अगर बहुत अच्छा लगा तो सुपर थैंक्स भी दे देना, बाकी परत निहालेचा, बाय।